नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में हुए लोकसभा चुनावों के रिजल्ट जो आया है 4 जून को, उसमें नए सांसद कौन कौन चुने गए हैं और नए सांसदों की सूची क्या है। विशेष तौर से हम बात करने वाले हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के बारे में। तो कौन बने हैं नए सांसद, उनको जानते हैं। देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा भारत सरकार का राजपत्र है, जिसमें जारी किया गया है नई दिल्ली द्वारा, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग अधिसूचना दी गई है 6 जून 2024 को। इसमें अपन देखेंगे कि अपने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें सांसद जो नए चुने गए हैं वो कौन है और कौन सी पार्टी से वो संबंध रखते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास तो गया, आज की वीडियो आप समझ लो ये आपके लिए एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट रहेगा और ऐसे भी आपकी राजनीति के तौर पर भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में कौन सांसद बने हैं। तो बात करते हैं अपन राजस्थान के सांसदों की सूची के बारे में। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने राजस्थान की सूची यहाँ पर ओपन है। अब देखते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले एक नंबर सीट है गंगानगर। गंगानगर में कुलदीप इंदौरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हैं सांसद बने हैं। बीकानेर सीट पर अर्जुन राम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो इस सीट पर बने हैं। चूरू से जो हैं राहुल कस्वा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हैं। झुंझुनू से ब्रजेंद्र सिंह ओला इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं। सिक्कर से हैं अमराराम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। और जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से। जयपुर से हैं मंजू शर्मा। अब देखिए, जयपुर ग्रामीण और जयपुर अलग अलग हो गए हैं क्योंकि अपने राजस्थान में 50 जिले अब हो गए हैं, इसलिए ध्यान रखना है जयपुर ग्रामीण और जयपुर। तो जयपुर में मंजू शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं। अलवर में अपने हैं भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं। भरतपुर में है संजना जाटव इंडियन नेशनल कांग्रेस। करौली और धौलपुर 10 नंबर सीट है भजनलाल जाटव इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। दौसा से हैं मुरारी लाल मीना इंडियन नेशनल कांग्रेस। टोंक सवाईमाधोपुर में है हरीश चंद्र मीना इंडियन नेशनल कांग्रेस। अजमेर से है भागीरथ चौधरी भारतीय जनता पार्टी। नागौर में हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। पाली में पीपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी। और बाड़मेर सीट पर है उम्मेदाराम बेनीवाल इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाड़मेर की सीट बहुत ही सुर्खियों में रही थी और उस सीट पर आए हैं उम्मेदाराम बेनीवाल इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और जालौर में बात करें तो लुम्बाराम भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उदयपुर की बात करें तो मन्ना लाल रावत भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हैं। 20 नंबर सीट है बांसवाड़ा राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी के हैं। चित्तौड़गढ़ में चंद्र प्रकाश जोशी भारतीय जनता पार्टी के नए सांसद बने हैं। राजसमंद में जो है महिमा कुमारी मेवाड़ भारतीय जनता पार्टी के हैं। भीलवाड़ा में दामोदर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के। कोटा में ओम बिड़ला जी भारतीय जनता पार्टी के नए सांसद बने हैं। झालावाड़ बारा में दुष्यंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के नए सांसद बने हैं। तो आपके सामने ये 25 जो अपनी राजस्थान की लोकसभा सीटें थी उस पर बनने वाले नए सांसदों की सूची मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर सभी के मैंने नाम बताए, पार्टी बताई है किस पार्टी से वो संबंध रखते हैं। और ये जो राजपत्र है इसमें आप जो है सभी राज्यों के जो है नए सांसद बने हैं उनकी सूची भी देख सकते हैं। तो इसकी PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल है ज्ञान विस्तार क्लासेस उस पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप पूरी जो है दूसरे राज्य के भी सांसदों की सूची देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर राजस्थान की 25 सीटें जो थी उनके बारे में बताया है। तो आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई भी डाउट रहे तो भी उसके बारे में आप ज़रूर उस कमेंट में लिखिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने जितने भी क्लासें आती है ज्ञान विस्तार क्लासेज पर उनको अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें भी हौसला मिलता है और हम निरंतर रूप से आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ लाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।